हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर आज हम लोग बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2023 नोटिफिकेशन को लेकर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नोटिफिकेशन कब तक आएगा, फिर हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम डेट कब है, फिर हम लोग बात करेंगे बीएड वाले वैलिड हैं प्राथमिक में या नहीं, डीएलएड वाले जूनियर में वैलिड हैं या नहीं। फिर हम लोग आपसे बात करेंगे किस किस को मौका मिलेगा, जिनका सीटेट कंप्लीट है उन्हीं को मिलेगा, या फिर जो इस बार दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम देंगे वो लोग भी वैलिड रहेंगे। फिर आप लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें आप लोग को नोटिफिकेशन कब आएगा। सीटेट 2023 का नोटिफिकेशन अभी तक आ जाना चाहिए था, किसी कारणवश थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन फिर भी इसी महीने आप लोगों के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। और अगर इस हफ्ते नहीं हो पा रहा है तो फिर इन सीटेट 2023 नवंबर माह के फर्स्ट वीक में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं आप लोग के एग्ज़ाम डेट को लेकर। सीटेट 2023 का एग्ज़ाम 20 दिसंबर के बाद करवाने की पूरी उम्मीद है। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करें, पूरी तैयारी करें। फिर हम लोग बात करेंगे बीएड वाले प्राथमिक में वैलिड हैं या नहीं। आप सभी को पता है कि जो बिहार में नई शिक्षक भर्ती अभी कंप्लीट हो रही है उसमें बीएड वालों का रिज़ल्ट नहीं जारी किया गया। जो 1 to 5 में बीएड वाले फॉर्म फिल किए थे उन लोगों का रिज़ल्ट रोक दिया गया है। तो इसलिए बीएड वाले प्राथमिक की जो प्राथमिक का सीटेट होता है 1 to 5 उसको फिल ना करें। उसको फिल करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नहीं माना गया तो अब सब जगह नहीं माना जा रहा है। सब जगह प्राथमिक की जो प्राथमिक का सीटेट होता है 1 to 5 उसको फिल ना करें। उसको फिल करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नहीं माना गया तो अब सब जगह नहीं माना जा रहा है। सब जगह नहीं माना जाएगा। और डीएलएड वाले 6 to 8 का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो बिहार में 1,20,000 के करीब शिक्षक भर्ती आने वाली है उसका भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, उसमें वैलिड होंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो है किसको किसको मौका मिलेगा। जो लोग सीटेट कंप्लीट कर चुके हैं उनको तो बिहार में जो नई शिक्षक भर्ती आ रही है उसमें तो वो लोग मान्य होंगे ही, और जो लोग दिसंबर 2023 का सीटेट देने वाले हैं उन लोग को भी मौका मिलेगा। तो इसलिए आप लोग जो सीटेट हैं दिसंबर में होने वाला है आप लोग का पेपर, उस पर भी फोकस करिए, और जो बिहार में नई शिक्षक भर्ती आने वाली है उस पर भी फोकस करिए। अगली बार जो अभी भर्ती कंप्लीट हुई है कुछ लोग ऐसे उसमें हुए हैं कि जो बीपीएससी तो क्लियर कर ले गए, जो बिहार में शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ उसको तो कंप्लीट कर ले गए, लेकिन जो है सीटेट नहीं कंप्लीट कर पाए। इसलिए आप लोग सीटेट पे भी फोकस करिए और बीपीएससी पे भी। फिर हम लोग आप बात कर रहे हैं कि आप लोग को पढ़ना क्या क्या है। आप लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करिए, और फिर जो है आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि इसमें जो है सीटेट में 15 नंबर जो है एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं और 15 नंबर पेडागोजी से। तो आप सभी लोग जो है एनसीईआरटी पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, और फिर जल्द से जल्द आप लोग के क्लासेस भी इस चैनल पे चलाए जाएंगे सीटेट के भी और बीपीएससी के भी। आप लोग बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, आप लोग का शुरू से क्लास करवाया जाएगा, शुरू से आप लोग की तैयारी कराई जाएगी। बस आप लोग रेगुलरली क्लास जो है करते रहिएगा, और जैसा कि अभी बताया गया है आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए और एनसीईआरटी की बुक पढ़िए,
अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। धन्यवाद।